Subscribe now and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैजी इंडिया में। आज हम बात करेंगे कि हम थंबनेल किस प्रकार बनाएं या किसी प्रकार का चार्ट कैसे तैयार करें या इंस्टाग्राम पोस्ट किस प्रकार बनाएं इमेज जैसे। तो आज हम इस वीडियो में हम सीखेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको सर्च करना है कैनवा। तो आप देखेंगे यहाँ पर शुरू में आगे कैनवा ग्राफिक डिज़ाइनर, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मैंने पहले इंस्टॉल कर लिया है, तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैं इसे ओपन करूँगा। तो ओपन करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। डिज़ाइन एनीथिंग पब्लिश एनीवेयर, और यहाँ पर आपको दिया है कंटिन्यू विद फेसबुक। तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए गए हैं, फेसबुक गूगल और ईमेल के माध्यम से आप इंटर हो सकते हैं। तो आपको लॉगिन करना है, तो मैं गूगल के माध्यम से चलता हूँ, और आप चाहें तो फेसबुक के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जीमेल आईडी आ गया, आपको उस पर सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इंटरफेस ओपन हो गया है, ट्राई इट फ्री 7 डेज। तो आप इसे फ्री में भी यूज कर सकते हैं, बिना प्रीमियम के। अगर आप प्रीमियम वाले यूज करेंगे तो उसमें लोगो लगता जाएगा। तो आपको ये बता रहा है कि आपको जो प्रीमियम वाले टेम्पलेट्स रहेंगे तो आपको उसमें आपको खरीदना पड़ेगा। और आप बता रहा है सर 60,000 टेम्पलेट्स, आपको यहाँ पर 60,000 से टेम्पलेट्स दिए जा रहे हैं। और आपको यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्लोरर कैनवा, यहाँ पर ऑल कैटेगरीज दिए गए हैं, लोगो बिजनेस कार्ड लेबल फोटो कॉलेज कार्ड प्लेयर इन्विटेशन कार्ड, ऐसे जैसे बहुत सारे आप टेम्पलेट्स बना सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्री में भी आपको उपलब्ध हैं टेम्पलेट्स बनाने के लिए। तो मैं आपको चलता हूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ऑल कैटेगरीज पर चले आए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं पोस्टर फ्लायर कार्ड, जैसे आपको यहाँ भी ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, वेब एड्स जैसे आपको बना सकते हैं, आपको इसमें आपको जो भी बैनर बनाने हो सभी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो मैं इस चलते हैं कि हम टेम्पलेट पर चलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक प्लस का निशान दिया हुआ, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पर सारे ऑप्शन और खुल गए हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट जैसे सारे इसी प्रकार के ऑप्शन खुल गए हैं। तो हम चलते हैं जिस प्रकार के सोशल मीडिया में जिस प्रकार के इमेजेस लगते हैं, तो उस प्रकार के इसमें दिए गए हैं कि कितने पिक्सल के हैं। तो अब वैसे मैं लेता हूँ इंस्टाग्राम पोस्ट पर ले लेता हूँ। तो अब इस पर प्लस पर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार के इंटरफेस ओपन होगा, और यहाँ पर आपको और इसमें आपको देखेंगे कैनवा फोटो मीडिया का ऑप्शन भी मांगा है, मतलब अलाउ कर रहा है। तो आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है, फिर आप देखेंगे इस पर क्लिक कर देना है आपको यहाँ। तो आप देखेंगे जो भी आपके पास फ़ोटो वोटो होंगे, इसे मेरे पास फ़ोटो भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर इमेजेस दे लेता हूँ। जैसे यहाँ पर कैनवा के इमेजेस हैं, तो आप यहाँ से ऐसे कोई भी इमेजेस में उठा लेता हूँ, जैसे एक ही इमेजेस में उठा लेता हूँ यहाँ से। इस प्रकार आप कोई भी इमेजेस उठा सकते हैं। और यहाँ पर ऐसे प्लस का निशान, तो आप यहाँ टेक्स्ट पर यूज कर सकते हैं, इमेज अलग से इमेज लगा सकते हैं, इलस्ट्रेशन आप लगा सकते हैं, सैप लगा सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर टैबलेट लोगो जैसे आपको और बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं आपको टेक्स्ट पर क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर आ गया है। तो आप इसे यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, तो वैसे मैं यहाँ कट करके यहाँ पर लिख दूंगा कैजू इंडिया। और वैसे आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं, दूसरा आप टेढ़ा भी कर सकते हैं। जैसे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिया गया, स्पेस का ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पर कलर का भी ऑप्शन दिया गया, तो आप यहाँ पर कलर बड़ा कर सकते हैं। अगर आप इसे बड़ा करना है तो बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आप इसके मतलब कैरेक्टर को बदलना चाहते हैं, मतलब जो राइटिंग है उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी राइटिंग को। इस प्रकार आप इमेज का यूज कर सकते हैं।
टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। और हम इमेज पर देख रहे हैं तो इमेज जैसे आप कोई भी इमेज हो जैसे इसी से आप उठा लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर कोई जैसे सर्च कर लेता, जैसे मोबाइल सर्च का भी ऑप्शन आपको दिया गया है, तो आप देख सकते हैं मोबाइल के अनेक जैसे ऑप्शन आ गए हैं। ऐसे ये जैसे ले लेता हूँ यहाँ पर, आप यहाँ पर इमेज भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बताते चलूँगा और यहाँ पर मैं डिलीट करते चलूँगा। और यहाँ पर आप एलुस्ट्रेशन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर मतलब बहुत सारे आप दिए गए हैं, आप सकते अनुसार आप यूज कर सकते हैं। एलुस्ट्रेशन भी आप यूज कर सकते हैं, आपको उसको क्लिक सिलेक्ट पर कर देना है तो आप देखेंगे वो स्क्रीन पर ऐड हो जाएगा और आपको वहाँ से छोटा बड़ा कर लेना है। और सैप का भी ऑप्शन दिए गए हैं तो आप यहाँ पर किसी प्रकार के आकार दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसी के लिए लेता हूँ तो आप देखेंगे मतलब इसको मेरे बैनर लगाना है तो आप इस प्रकार लगा सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा आप जैसे भी करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर कलर का भी ऑप्शन दिया गया था, आप रेड जैसे बहुत सारे आप कलर का ऑप्शन दिए गए तो आप यहाँ से आप कर सकते हैं कलर चूज। और यहाँ पर एक यस का ऑप्शन दिया जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना तो सेव हो जाएगा। और यहाँ पर हम देख लेते हैं सेव जैसे आपको ऑप्शन बता दिया हूँ मैंने। और यहाँ पर आप टेम्पलेट मतलब यहाँ पर टेम्पलेट्स के माध्यम से आप और भी टेम्पलेट जैसे यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक फ्री वर्जन का, जैसे ये टेम्पलेट्स ये फ्री में प्रोवाइड कर रहा है ये ऐप के माध्यम से, तो आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं इसको यहाँ बैगनी कलर कर दिया हूँ। आप यहाँ चाहें तो कोई भी कलर यूज कर सकते हैं और उसका आप सिलेक्ट करके आप यहाँ पर नए में चेंज कर सकते हैं, सब उसी तरह है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं लोगोस का ऑप्शन दिया गया, तो आप अपना लोगोस ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको ट्रायल वर्जन आपको प्रीमियम पैक लेना पड़ेगा तभी आप लोगो ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ ये पांच छह चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस प्रकार आप किसी प्रकार के बैनर तैयार कर सकते हैं। और हम जैसे देख लीजिए मैंने इसको तैयार कर लिया है, अब हमें डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड आप किस प्रकार कर सकते हैं इसे, तो आपको यहाँ पर एक ऊपर ऑप्शन दिया गया है तो आप उस पर क्लिक कर देना है जो ग्रीन कलर का है। और यहाँ पर सेव एज ईमेल आप यहाँ शेयर भी कर सकते हैं किसी भी साइट पर, तो मैं यहाँ सेव एज पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखेंगे प्रिपेयरिंग और डिज़ाइन मतलब तैयार हो रहा है डिज़ाइन और डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली आप इस पर क्लिक करते ही। तो आप देखेंगे ये सेव हो चुका है। इस प्रकार आप लोगो बना सकते हैं और जो आप डिज़ाइन बनाते हैं वो यहाँ पर डिज़ाइन पर सेव हो जाता है। इस प्रकार आप विभिन्न प्रकार के टेम्पलेट्स तैयार कर सकते हैं, इसके माध्यम से कोई भी ए टू जेड टेम्पलेट हो आप यहां से बना सकते हैं, लोगो भी तैयार कर सकते हैं, बहुत सारे आप इससे वर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपको कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।